हाय नमस्ते दोस्तों, संदीप दिस साइड। सो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई रियली वॉन्ट कि आप बहुत क्लोज अटेंशन पे करना इस वीडियो में, बिकॉज मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं थक गया हूँ इस चीज़ से। अब एक कैसे रोकी जाएगी ये चीज़, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने ट्राई किया है। सो लोग मतलब इतने बेशरम हैं इस टाइम पे, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हूँ मैं इस चीज़ से कि मतलब जो नीडी होते हैं ना उन तक के साथ लोग स्कैम करते हैं। अभी आपने वीडियो देखा होगा लास्ट कि, और वो सब बताने से पहले मैं आपको एक बार प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे दो ही फ़ोन नंबर है, अब ये स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको। इन दोनों नंबर के अलावा एक मेरा तीसरा नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, वो ज़्यादा लोगों के पास है नहीं, जिनके पास है उसके एंड के चार डिजिट बताता हूँ मैं ताकि आपके पास हो तो आप समझ सको कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, सही नंबर है। उसके अलावा दो नंबर तो पब्लिक में अवेलेबल ही हैं आपके पास। जो पर्सनल नंबर है वो एंड होता है 9701 से एंड होता है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, अगर वो आपके पास है वो ठीक है। उसके अलावा मेरे दो ही नंबर हैं, एक तो 9311262998 और एक है 9811320877। इन दोनों नंबर के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं से भी अगर आपको मैसेज आता है पैसे मांगने के लिए तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज नहीं दें पैसे, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ, प्लीज़ पैसे मत दें, आपके साथ स्कैम हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ था कि भैया मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज आया कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, कोई बंदा पैसे मांग रहा है, प्लीज़ हम डोनेट करने वाले थे बट आई थॉट कि एक बार आपसे बात कर लूँ। कुछ भी करने से पहले मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ सुने बिना बिल्कुल पहली बात डोनेट करें ही मत। अगर करना ही है ना आपको तो सामने वाले को बोलो कि एक बार वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दे या वीडियो कॉल पे बात कर ले, हम भेज देंगे। ये सबसे इजी तरीका है स्कैमर्स को फाइंड आउट करने का, वो उल्टे सीधे बहाने बनाएंगे आपको। जैसे कि एक स्क्रीन मैं आपको दिखाता हूँ चैट। सो अभी उन लोगों ने क्या किया, इतने बेशरम लोग हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक ऑर्फन लड़का था जिनको थोड़ा लूज मोशन वो प्रॉब्लम है ना, अभी रिसेंटली हमने एक अनाथ बच्चे की हेल्प करी थी, गुड़गांव में शॉप खुलवाई थी। तो गलती से उस वीडियो में मैंने 5 गूगल पे के उनके नंबर शुरू में बता दिए थे और 5 स्क्रीन पर दिख रहे थे, तो वो स्क्रीन पे नंबर दिख गया। और यही रीजन है मैं लोगों के नंबर जो इनकी हम लोग हेल्प करते हैं मैं उनके नंबर नहीं डालता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़े लिखे होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो बेचारे खुद ही हैंडीकैप हैं, ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको तो इतनी पढ़ाई की इतनी नॉलेज तो होती नहीं है स्कैम की, इतने अलर्ट वो होते नहीं, उनके साथ स्कैम हो जाता है। कैसे, उनका नंबर मैंने शेयर किया सपोज की वीडियो में कि आप इनकी हेल्प करें, हेल्प करने से ज्यादा लोग तो फ्रॉड फोन करते हैं उनको, उनको बोलेंगे कि पेटीएम पे आपका जो नंबर है ना हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको एक लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कर दो और पे कर दो, पे नहीं, पे का बटन होता है उससे पे हो जाएंगे पैसे, पे हो जाएंगे नहीं कट जाते हैं पैसे, बहुत हो चुका है हमारे साथ लोगों से। फिर मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे साथ भैया ये हो गया, यही रीजन है कि मैंने अपने वीडियोज में जो हम जिनकी हेल्प करते हैं उनकी नंबर नहीं डालता मैं। अगर आपको हेल्प करनी हो तो मेरे से मांगो, पर्सनली मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन स्कैमर्स की मतलब, और इस चीज़ को लेके मैं पहले पहाड़गंज थाना गया कंप्लेंट करवाने के लिए, बट वहां पर उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज़ यहाँ नहीं होती, ये साइबर क्राइम का मामला है, आप साइबर क्राइम में चले जाओ उसके नियर बाई। वहां गया, वहां बैठा रहा, उनका रवैया ऐसा है कि नहीं ये चीज़ें तो यहाँ पे होती नहीं है, तो ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन जाओ, ये डालो वो डालो, बैठा रहेगा, कुछ कर ही नहीं पाया वहां पर मैं। फिर वापस आ गया मैं, और प्रॉब्लम ये है कि दूसरी की अगर एक बंदा कर रहा हो तो ठीक है, अब हर दूसरे दिन आप नए बंदे के ऊपर क्या केस डालोगे। तो इसीलिए आप लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है इस चीज में कि मेरे दो ही नंबर हैं, इनके अलावा अगर तीसरे नंबर से आपको मैसेज आता है तो सीधा ब्लॉक कर दें, स्कैम हो रहा है आपके साथ। और दूसरी चीज अवेयर होने के लिए कि कोई बंदा भी यूट्यूब के, अब ये बताता हूं कि इससे बचने के लिए ये लोग पकड़ते कैसे हैं लोगों को, तो हम जैसे वीडियोस पोस्ट करते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन ऑन होता है, तो उसमें आप लोग देखोगे कि मतलब कमेंट में जैसे हमने किसी की हेल्प की और किसी के अंदर रहम आ गया कि उनको भी उस बंदे की हेल्प करनी है, तो लोग कमेंट में अपना नाम छोड़ देते हैं कि हम ये बोल रहे हैं और हमारा नंबर ये है, हम भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज आप रिप्लाई कर दें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब वो लोग क्या करते हैं, कॉमेंट पढ़ते हैं, वहां नंबर ढूंढते हैं, उन नंबरों पे मैसेज करेंगे कि हम संदीप भट्ट से बोल रहे हैं, फिर कभी कभी तो ये भी लिखते हैं कि हम संदीप भट्ट टीम से बोल रही हैं, प्लीज आपको हमको डोनेट करें या फिर जो भी करें। और पहली बात, मैं इस तरीके से पैसे मांगता ही नहीं हूं, आप जितने लोग मुझे जानते होंगे मैं अपनी साइड से बहुत ही क्लोज बंदा होगा तो उसको कभी ये बोलूंगा कि फंड रेज कर रहे हैं हम लोग, इनकी हेल्प करनी, वो भी मैंने जो नंबर बताया उन्हीं से, अपनी साइड से मैं कभी नहीं पैसे मांगूंगा कि हमको हेल्प करनी लोगों की, हमें पैसे दो आप, ये तो मैं कभी करता ही नहीं हूं।
तो अगर ये हो रहा है तो सीधा ही समझ जाना आप लोग। और दूसरी चीज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, मेरी फेसबुक आईडी पर और मेरे यूट्यूब पे कमेंट में जो कमेंट्स आप लोग करते हैं उसमें कभी भी अपना फोन नंबर मत छोड़ना आप लोग, वरना ये लोग स्कैमर नहीं छोड़ेंगे। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको एक चैट दिखाता हूँ। ये जो चैट है ये मेरे फादर की, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो बड़ी सिस्टर है, मेरी बुआ जी जो है, उनके बेटे हैं दीपक भैया हमारे, उनके साथ ये स्कैमर स्कैम कर रहा था। कैसे? तो अब मेरे लिए भी बड़ी सोच की बात थी कि मतलब उनका नंबर कहां से आ गया इनके पास। तो एंड में समझ में मुझे ये आया कि उन्होंने यूट्यूब पे तो कमेंट किया नहीं था, तो फेसबुक में, क्योंकि भैया मेरे फ्रेंड लिस्ट में है फेसबुक में, तो भैया ने शायद मेरी किसी फोटो में या वीडियो में कमेंट किया होगा, तो स्कैमर ने नाम देखा होगा कि संदीप भट्ट मेरा नाम है, भट्ट उनका भी है, दीपक भट्ट। तो आईडी में गया और आईडी में भैया के आईडी में, उनकी आईडी में उनका फोन नंबर लिखा हुआ था, तो उनकी जो आईडी है फेसबुक की उसमें नंबर भी लिखा हुआ था, तो उसने वहां से उनको मैसेज किया। ये चैट देखिए आप, तो ये स्कैमर का नंबर है। पहले क्या लिखता है, हाय लिखता है, फिर लिखता है कि कैसे हो आप, ये सब पूछता है मेरे भैया से, और साथ में फोटो भेजता है। मतलब इतना बेवकूफ़ आदमी है, किसी से बात करनी होगी मुझे तो मैं अपना फोटो भेजूंगा उसको। और इस पॉइंट तक मेरे भैया को सीरियसली आइडिया नहीं था कि ये मैं नहीं हूँ। फिर लिखता है कि मेरी हेल्प कर दो, कुछ पैसे चाहिए। फिर भैया पूछते हैं कितने चाहिए, तो लिखता है 20,000 रुपये चाहिए, कल दे दूंगा आपको। फिर भैया को लगा कि मतलब चलो कुछ इमरजेंसी होगी तो कल भेजने से चलेगा, तो लिखता है कि नहीं मेरे को अभी इमरजेंसी है, अभी दे दो मुझे पैसे। और अभी भी भैया को नहीं पता था कि मैं नहीं हूँ। सो गूगल पे नंबर सेंड करता है फिर भैया को, और नाम उसमें राहुल शो हो रहा था, तो भैया को थोड़ा शक हुआ, भैया ने कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। और यहाँ पर लिख रहा है कि मुझे दे दो पैसे, ये सब जो भी है आप चैट में पढ़ सकते हो, पैसे मांग रहा है उनसे भैया से। सो ये जो पिछला मैंने स्क्रीनशॉट डाला, उस टाइम से पहले भैया ने मुझे कॉल किया, जो मेरा नंबर सेव था उनके पास, और पूछा मुझसे कि संदीप ऐसा ऐसा कुछ है क्या। तब उन्होंने, तब समझ में आया उनको, जब मैंने बोला कैसे तो कुछ भी नहीं है। फिर भैया से मेरी काफ़ी देर बात हुई, मैंने बताया कि भैया एक काम करो, आप उसका ना पूछो कि नाम क्या है, सो दैट मैं इसको फंसा सकूं, पता एटलीस्ट पकड़ में तो आए, लोगों को तो लगे कि पता तो चले कि कैसे स्कैम ये लोग करते हैं। मैंने बोला भैया से कि आप इसको ना मांगो, डिटेल मांगो, क्या नाम है तुम्हारा, वो सब भेजो, ताकि मैं इसको पब्लिकली इसको डाल सकूं और इसको समझ में आया कि कितनी बेशर्मी ये कर रहा है और पकड़ा जाए। तो भैया ने इससे ये डिटेल मांगी, फिर ये देखिए नाम लिख रहा है कि संदीप भट्ट है, किसी फ्रेंड के अकाउंट में डलवा रहा हूँ पैसे, ये सब लिख रहा है। तो मतलब इस तरीके से ये जमाना है, मतलब इतने लोग घर पे वेले बैठे हुए हैं कि लोगों को स्कैम कर रहे हैं, और उन लोगों को भी नहीं छोड़ते जिनकी हम लोग हेल्प करते हैं, जो ऑलरेडी परेशान है। मतलब मैं जितने लोगों की हम लोगों ने हेल्प की है और उनका फोन नंबर चैनल पे डाला हुआ है, जितने भी लोग हैं और आपके पास चैनल पे उनका नंबर है, तो आप मेरी 100% गारंटी, आप एक बार फोन करके पूछ लेना उनको कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। सबके साथ ये हुआ है कि हम संदीप भट्ट टीम से बोल रहे हैं, हमें ये दे दो, हम संदीप भट्ट ये बोल रहे हैं, और ये यहाँ पे आप पेटीएम कर दो, ये गूगल पे कर दो। मतलब इतना फ्रॉड चल रहा है, इतना स्कैम चल रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आता आप क्या बोलोगे यार। और इतनी बेशर्मी की बात ये है कि आर्मी का नाम यूज करते हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो आप देखोगे कि इंडियन आर्मी का फेक पैन कार्ड, फेक आधार कार्ड बनाया हुआ है इन लोगों ने, और बोलते हैं कि हम इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं, इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं, हमारा अलग अकाउंट होता है, आप हम ऐसे डायरेक्ट पैसे नहीं जाते, उसमें लिंक आएगा, फोन पे पे क्लिक करना पड़ेगा। हद हो गई यार, मतलब कैसे लोग हैं, कितने बेशर्म लोग हैं। अब जिसका नंबर मैंने वीडियो में डाला हुआ है अभी स्क्रीनशॉट में, ये अपना क्या करेगा, नंबर बंद कर देगा, नया सिम खरीदेगा, उससे स्कैम करेगा लोगों को। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, और भी चीज़ों में जहाँ पे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स में नंबर अवेलेबल हैं उनके नाम से स्कैम चल रहा है। अब मैं क्या करूँ, मतलब इसीलिए वीडियो को एड्रेस कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आपको मेरे से बात करनी होगी या फिर कुछ भी डोनेट कभी जिंदगी में किसी के लिए करना होगा, तो ये जो नंबर्स हैं इनके अलावा कोई भी नंबर के थ्रू मैसेज आता है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड ना करें। और अगर आप करना ही है डोनेट, करना ही है आपको, तो बिना मेरी आवाज़ सुने या वीडियो कॉल किए बिल्कुल भी ना करें। आप मुझसे कॉल पे बात करने के बाद, वीडियो कॉल करने के बाद ही करें इनिशिएट कुछ भी, ऐसे ही सिर्फ मैसेज में मत कर देना आप लोग, वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन गुस्सा बहुत है अंदर हमारे, क्या बोले आप बताओ, मतलब हैरानी की बात है। बहुत से लोगों की शिकायत ही होती है कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। भाई मैं अकेला आदमी हूँ और पूरे दिन में हम लोग दिन भर लोगों की हेल्प करने में लगे रहते हैं, तो जब मैं फ़ोन चेक करता हूँ मैं तभी रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ। एंड लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि रिप्लाई इतना लेट क्यों आता है, वो क्यों आता है, फेक हो आप, ये हो। देखो एक अकेला इंसान है,
तो टाइम हर चीज में लगता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब मैं फ्री हो जाऊं शाम को आराम से मैसेजेस पढ़ लूं। तो आप व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ दिया करो, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। और इसके इस दो नंबर, ये दो नंबर मैं ही यूज करता हूँ, इसमें तो खैर स्कैम वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हाथ में ही होते हैं फोन हमेशा। इसके अलावा कोई भी नंबर से मैसेज आए तो प्लीज अपना ध्यान रखें और यूट्यूब वीडियोज में कॉमेंट बिल्कुल भी ना करें, अपना फोन नंबर डाल के आप लोग, तो जैसे कि ईजी हो जाएगा थोड़ा समझने में। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये हेल्प हम लोग किसी की नहीं की बाहर जाके आज इस वीडियो में, लेकिन आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ समझने में कि ये स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि, और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो बेशरम जो ढीठ ये स्कैमर्स हैं, कि भाई ज़िंदगी में कुछ काम करो यार, क्या लोगों से स्कैम कर रहे हो, तुमको बिल्कुल भी डर नहीं ऊपर वाले से, भगवान से, कि जो लोग परेशान हैं इतनी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? अगर तुम सुन रहे हो ना, इतनी हिम्मत होती तो अगर सामने कोई एक बार मिल जाता तो फिर ज़्यादा बेटर हम लोग बातचीत कर पाते, लेकिन पीठ पीछे बैठ के छुप के नंबर अलग से स्कैम करना तो बहुत इजी है। जब पकड़ में आते हैं ना मेरे को, फिर गालियाँ लिखते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो एक बार सामने आके फेस करना, शायद फिर बेटर कुछ अंजाम निकल पाएगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए ये बहुत ज़रूरी था मेरे बताना, मैंने पहले भी इस बात को एड्रेस किया है अपने चैनल पर, लेकिन ये वीडियोज़ लोगों को देखना ही नहीं पसंद है, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं। आपको अलर्ट कर रहा हूँ मैं, बट फिर भी नहीं देखते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे टच में हैं, प्लीज़ ये और आपके फ्रेंड सर्कल मेरे टच में, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि वो भी अवेयर हो सकें, सिर्फ मेरे ही मतलब यूट्यूब के थ्रू नहीं, और भी जरिए और भी तरीक़ों से जो अलग अलग यूट्यूब चैनल पर लोग स्कैम करते होंगे, तो उनको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि स्कैमर्स की टेक्निक क्या है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।